बैठे कोई मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज का हर युवा यहाँ आए और इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करे, ताकि कल जब सैनी समाज का इतिहास लिखा जाए, उसके संघर्ष की कहानी लिखी जाए, तो उसमें कोई भी मेरा युवा भाई अछूता ना रहे कि इस संघर्ष में हमने अपनी भूमिका अदा नहीं की। दिन पहले एक अपनी नई जिंदगी की एक नई पीढ़ी की शुरुआत करने के बाद लोग अपनी लाइफ को अच्छी बनाने का काम करते हैं। और ये बहन, आप मत बताओ, एक बार 15 दिन पहले ही एक बहन की शादी हुई। जो लड़कियां शादी होने के बाद अपने जीवन को सुख संसाधन सुविधाओं में व्यतीत करना चाहते हैं, उसके बजाय हमारी बहन किरण, उसने अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके हमारे साथ इस आंदोलन में भागीदारी निभाकर समाज के लिए काम आने का काम किया। आइए एक बार बात करते हैं कि उनका क्या विचार है आरक्षण को लेकर। जी, मेरा विचार यही है कि जिस चीज को हम लेने आए हैं, हमारा जो हक और अधिकार है वो हम लेकर ही जाएंगे। हमारे हक और अधिकार से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना ही कोई सुख सुविधा है। आप ऐसे नहीं हटेंगी? नहीं जी। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं में भी जुनून है, युवाओं में भी जुनून है और बुजुर्गों में भी जुनून है, तो जय श्री राम आप सब भाइयों को। हम जाइए एक बार फिर से, जैसा कि किरण जी ने कहा कि हम अपने अधिकार और हक को लिए बिना यहाँ से हटेंगे। जुड़ते रहिए। जय श्री राम। सभी भाइयों के पास 5 मिनट का समय है, कृपया करके रुक जाइए। जुड़ते रहो भाई, जुड़ते रहो। नमस्कार जीजू, काम में आया हो। जुड़ते जाइए सभी भाई, एक बार जुड़ जाइए पुन। तो भाइयों, इसका नजारा तो आपने देख लिया होगा। वैसे आप सभी को भी पता है और ना ही मुझे बताने की जरूरत है आप लोगों को। कि जो कल से जो ये समाज अपने हक और अधिकारों के लिए दिन से लेकर रात भर तक रोडों पर पड़ा रहा है। राजेश भाई, मैं हूँ भरतपुर, NH 21। जो 12 जून को जो घोषणा की गई थी मुरारी लाल जी के नेतृत्व में समाज के अधिकारों को लेके, इसी को लेके पूरा समाज धरने पर बैठा हुआ है भरतपुर NH 21 पर। मैं सभी भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि आज तक हमने ये लड़ाई ओनली सोशल मीडिया पर लड़ी है, लेकिन अब वही समय आ गया है फिर से, जिन्होंने
जिसकी हमने 75 सालों से प्रतीक्षा की थी। ये लड़ाई कोई व्यक्ति की नहीं है, ना ही कोई संगठन की है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। मैं सभी भाइयों से भी कहना चाहूंगी मैं सभी भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके उत्तरी जनसंख्या में आप सभी भाई भरतपुर पहुँचे। कल नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, अभी ये आंदोलन जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और मेरे समाज के मेरे पिता दूल्हे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी भाइयों का बयान जानना चाहती हूँ, बड़े बुजुर्गों से भी मैं पूछना चाहूंगी एक बार, आप खुद सुन लीजिए। जिनके घर बैठने की उम्र है वो भी रोडों पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, इससे बड़ी हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। जबकि यहाँ पर सभी तमाम युवाओं को आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर आना पड़ा। आशा करती हूँ कि आप सभी जरूर आओगे। और मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ, अब जो अपनी आंखें और कान बंद कर रखी है अब खोल ले, अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी समाज का हर एक युवा बड़े आक्रोश में है अब, और सैनी समाज अब रोडों पर उतर आया है। हम फिर सरकार से भी कह देना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर यहाँ का 100 कोस का सैनी भी एक हो सकता है, कि जरूरत पड़ने पर 100 कोस का सैनी भी यहाँ पर एक हो सकता है। ये नजारा आप सबके सामने है। और इसी वक्त मेरे सामने एक बड़े मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, उनसे आप सभी के सामने कहना चाहूंगी, उनसे बात कर लीजिए आप। दादी आप कब तक बैठे रहोगे अपने हक के लिए यहाँ पर? जब तक कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे 15 दिन है चाहे 20 दिन, कितने भी दिन है। यार लो भाइयों देखो लो, आप सभी के सामने यही चीज आ रही है, नजारा आप सभी के सामने है, कितने भी दिन है। गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे अंकल जी आप? भाई सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो आरक्षण चाहिए। और जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं उनको लेके मैं सभी भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि ये सभी अपना हक पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कल से आए हुए हैं सुबह से लेके। और मैं पुनः सरकार से अब भी कहती हूँ कि अपनी आंखें खोल ले, वरना जिस दिन ये 1.5 करोड़ माली आ गया ना, तेरी सरकार को पता नहीं कहाँ से जड़े उखाड़ कर फेंक देगा। हमारी कोई 1-2 लाख जनसंख्या नहीं है, 1.5 करोड़ है पूरे राजस्थान में। हम सरकार बना सकते हैं तो उखाड़ने की ताकत भी रख सकते हैं। अगर हमें हमारा हक और अधिकार पाने के लिए अगर हमें हमारे समाज के व्यक्ति का विरोध करना पड़ता है तो हम खुलकर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी समाज का हर एक युवा आप सभी के सामने है, मेरे सभी पिता तुल्य जो देख लो यहाँ पर आए हुए हैं, ये देख लीजिए। इसीलिए अब भी मैं कहना चाहूंगी कि सरकार जल्द से जल्द होश में आ जाओ, क्योंकि मेरे समाज के युवाओं का अब इंतजार टूटता जा रहा है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक बार कि सरकार हमारा और मेरी समाज के युवाओं का और इम्तिहान ना ले, वरना सरकार की खाकी वर्दी की लाठियों में इतनी ताकत नहीं होगी कि मेरी समाज के युवाओं को के बढ़ते हुए कदमों को ये रोक पाएगी। इसीलिए अब भी बोल रही हूँ कि गहलोत सरकार मैं विरोध में नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अभी भी समय है, होश में आ जाइए, क्योंकि मेरी समाज का हर एक युवा अब मरने मारने पर उतर आया है, लेकिन यहाँ से कोई भी खाली हाथ
नहीं जाएगा। आप सभी खुद बात कर लीजिए। अंकल जी आप कितने दिनों का पड़ाव दे सकते हैं अगर समाज जैसे सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो? जब तक नहीं मानती है जब तक यही रहेंगे, एक महीना दो महीना छह महीना कितने भी हो। यार लो भाइयों सैनी समाज के मेरे समाज के हर एक युवा बड़े बुजुर्ग अपने घर परिवार को छोड़ के कल से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन एक सरकार है जो अभी तक कानों में डांटे लगाए हुए बैठी है। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए भाइयों? यही रुके रहेंगे तब तक हक नहीं मिलेगा, जाएंगे नहीं। यार लो मेरी समाज का हर एक युवा कुर्बान होने के लिए भी तैयार है, परिणाम आप सभी के सामने है। और मैं अब भी कहना चाहती हूँ कि वक्त सुन लो अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना अगर कल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार रहोगे। कहीं ऐसा ना हो अभी भी समय है सरकार के पास की वक्त रहते हुए सुन ले, वरना मेरी समाज का जो 1.5 करोड़ युवा अगर यहाँ पर आ गया तो उसको रोकना शायद तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। अभी भी समय है आपके पास, या तो हमें जो हमारा हक दे दीजिए। और हम कोई हक नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। आप सभी को भी पता है कि इस हिंदुस्तान का भविष्य हमारे पूर्वजों ने कलम की नोक पर लिखा था। अशोक सम्राट ने खंड खंड भारत को अखंडता के सूत्र में बांधा था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा को जागरूक करके, आपको पता है महिलाएं पीछे नहीं है, जब महिलाएं यहाँ तक पहुंच चुकी है और कल भी आई थी अपनी हिस्सेदारी के लिए, तो महिला आपको पता है कि एक महिला सीएम भी रह चुकी है। जब महिलाओं को बाहर निकलने तक की आजादी नहीं थी तो फिर भी उसके बावजूद भी आज महिलाओं ने पुरुषों की बराबरी में हमेशा कंधों से कंधा मिलाकर साथ दिया है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। मैं गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन बेटियां किसके पीछे शिक्षित हुई है? अरे तुम भारत रत्न में इतने नखरे लगा रहे हो तो तुम्हारी बहन बेटियों को देखने के लिए स्कूल भेजते हो तुम? जब तुम एक लड़की की एक महिला की इज्जत करना नहीं जानते तो तुम्हारी बहन बेटियों को क्या जखमराने के लिए भेजते हो? मैं अभी भी गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि समय है सुधर जाओ, वरना ये सैनी समाज का युवा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे समाज के अंदर सूर्यवंशी का खून दौड़ता है। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगी एक बार आप सभी युवाओं से ज्यादा जनसंख्या में आज कल हो सके उतनी जनसंख्या में आप भरतपुर पहुंचिए और एकता का परिचय दीजिए, दुनिया को बता दीजिए कि हक और अधिकार, और जब जरूरत पड़ती है तो 100 कोस का सैनी भी एक हो सकता है। एक इसी के साथ मैं अकेला अपने लाइव को रोकती हूँ। सैनी एकता, जिंदाबाद। सैनी एकता, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं।